हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो जितनी सिंपल रखी जाती हैं उतनी ही स्वादिष्ट लगती हैं। उनमें से एक है ये सब्ज़ी जो आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ शेयर। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक देकर ज़रूर से जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने ये आधी पत्ता गोभी ली है, ये देख सकते हैं आप, ये अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स है। तो मैं पर्सनली घर में यही मेथड फॉलो करती हूँ। पत्ता गोभी को मैं अच्छे ढेर सारे नमक के पानी में भिगो के रख देती हूँ। पहले अच्छे से देख लेती हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि अक्सर पत्ता गोभी बनाते हुए डर लगता है। पत्ता गोभी में अलग तरीके के कीड़े पाए जाते हैं जो कई बार हार्मफुल होते हैं। तो अच्छे से आप इसको देख के मेरी तरह अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो नमक वाले पानी में इसको भिगो दें आधे पौन घंटे के लिए, और उसके बाद अच्छे से इसको धो के छन्नी में रख दें जिससे सारा पानी इसमें से निकल जाए। और उसके बाद इसको इस तरीके से बस बारीक बारीक आपको काट कर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी काट सकते हैं, या इस तरीके से बस एक हाथ से टाइटली प्रेस करें एक सिरे को और दूसरी तरफ से छुरी को चलाते हुए बारीक बारीक इसको बिल्कुल श्रेडेड जो कैबेज है वो आपके पास आ जाएगी। बस जो कोना आप काट रहे हैं उसको टाइटली प्रेस करते जाएं और छुरी को चलाते जाएं इस तरीके से। तो ये देखिए पत्ता गोभी मैंने काट कर तैयार कर लिया। साथ में मैंने लिए हैं ये दो मीडियम साइज़ के आलू डाइस किए हुए और एक कप मटर। एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करी है मैंने, आप कम भी कर सकते हैं मटर, जैसी आपकी पर्सनल चॉइस है उस तरीके से। तो ये हमारी तीनों चीज़ें काट कर तैयार हो गई हैं, पत्ता गोभी आलू और मटर। अब चलते हैं बनाते हैं इससे सब्ज़ी। तो कढ़ाई में कर लिया है मैंने 3-4 टेबलस्पून तेल को गरम, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच सबसे पहले ज़ीरा, उसके बाद 1 चम्मच मैंने डाली है मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच उड़द दाल और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें डाल दें चना दाल। कुछ करी पत्ते डाले मैंने इसमें और इन सब चीज़ों को स्टर फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें साथ में डालेंगे हम ये आलू जो हमने काट कर तैयार करे थे वो। अब हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, पहले हम सबसे पहले आलू को थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पर हम आलू को 5-7 मिनट पहले पका लेंगे। बाकी जो आलू हमारा प्रोसेस है कुक करने का, वो पत्ता गोभी जब हम डालेंगे तो पत्ता गोभी के मॉइस्चर में, मटर के मॉइस्चर में आलू पूरे पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बिना ढक्कन ढके इसको 5-7 मिनट के लिए पहले पका लिया है, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ये इस तरीके से पत्ता गोभी ऊपर सारी। तो पत्ता गोभी डालने के बाद अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि जब पत्ता गोभी मॉइस्चर छोड़ जाती है तो क्वांटिटी बहुत कम रह जाती है। तो मॉइस्चर ये छोड़ दे इसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक, और ढक्कन ढक के इसको 2-3 मिनट के लिए आप छोड़ दें धीमी आंच पे। तो ये देखिए पत्ता गोभी जो है हमारी स्टीम आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सॉफ्ट होने लग गई है। तो अब इस टाइम इसको हम टर्न करना शुरू करेंगे, और आप जब टर्न करेंगे तो देखेंगे कि आलू भी हल्के से गोल्डन ब्राउन नज़र आ रहे हैं जो निचला सिरा है उसका, जब हम उसको ऊपर ला के मिक्स कर रहे हैं। तो इससे आलू में भी हल्का सा हमारा क्रंच आ गया, और ये पत्ता गोभी को हम अच्छे से पहले इस तरीके से कर देंगे मिक्स। अब इसके अंदर डाल देते हैं मटर और मिक्स कर देते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस टाइम मटर डाली है, क्योंकि फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो थोड़ी कड़ी है जिसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप पहले आलू के साथ मटर को पका लें 5-7 मिनट और फिर उसके बाद पत्ता गोभी डालें। अब इसमें मैंने डाल दिया 1.5 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप किया हुआ, और 2 कटी हुई हरी मिर्चें भी उसके साथ ही, और इसको पहले हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी टमाटर ऐड करे हैं इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। तो ये देखिए कलरफुल सी ये सब्ज़ी बहुत लग रही है इसी टाइम पर अब इसमें डालेंगे हम मसाले। बहुत कम मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब हल्दी, और ये 1 चम्मच से कम ही 3/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो मिर्ची ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी हमने इस्तेमाल करी है। 1/2 पौन चम्मच आप इसमें मिर्ची डालें और बस इसको मिक्स कर देंगे। तो ये सब्ज़ी का अपना जो स्वाद होता है वो इसमें आएगा आपको, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा कोई भी स्पाइस का इस्तेमाल नहीं करा है। नेचुरल जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब लगता है इस तरीके से कम मसालों के साथ पकी हुई सब्ज़ी में। तो मसालों के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे इतना कि हमारे जो आलू हैं वो कम्प्लीटली पक जाएं, 5-7 मिनट और। तो बस ये हमारी बढ़िया सी पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी तैयार है। अगर आपको पत्ता गोभी थोड़ी और ज़्यादा क्रंची रखनी है तो आप आलू को थोड़ा ज़्यादा पका लें पत्ता गोभी ऐड करने से पहले, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पत्ता गोभी है वो ज़्यादा देर आपको ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
कम देर पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे मिक्स करने से आपको पता चल रहा होगा एकदम सॉगी नहीं है पत्ता गोभी, हल्का सा क्रंच है इसमें जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। बस इसको 2-4 मिनट हम इस तरीके से और भून लेंगे। और बहुत ही बढ़िया इसमें से अब खुशबू आ रही है, बिल्कुल रेडी है ये। बस लास्ट में इसमें हम डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और कोई भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है हमको, जैसे कि गरम मसाला अक्सर मैं अपनी सब्जियों में डालती हूँ, लेकिन ये जो है इसमें हम कुछ भी और नहीं डालेंगे। आप चाहें तो हल्का सा गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि अपना ही एक अलग जो टेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कम मसालों के साथ सब्ज़ी का टेस्ट इन्जॉय करते हुए इसको बनाया है मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिससे सब इन्जॉय कर सकें इसे। इसे आप गर्मा गर्म घी लगी रोटियों के साथ खाएंगे तब भी आप इन्जॉय करेंगे, पराठों के साथ तो बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है इसका। वैसे आप दाल चावल के साथ एज अ सूखी सब्ज़ी भी इसको सर्व कर सकते हैं। सब्जियां अक्सर हम अपने घरों में बनाते रहते हैं, सबका अपना एक अलग तरीका होता है, इसीलिए मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी में। अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर से देखे जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मेरी नॉनवेज रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे नॉनवेज चैनल पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।